गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, इन क्लास 3 सब्जेक्ट मैथ्स आज के इस वीडियो में हम रिवीजन का अगला पार्ट देखने जा रहे हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कन्वर्ट इनटू सेंटीमीटर। बच्चों, आपको पता है 100 सेंटीमीटर इज इक्वल 1 मीटर। अब यहाँ पर आप देख सकते हो कि हमें 3 मीटर और 20 सेंटीमीटर को सेंटीमीटर के अंदर ही कन्वर्ट करना है। तो 3 मीटर इज इक्वल 300 सेंटीमीटर, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि 1 मीटर इज इक्वल 100 सेंटीमीटर। तो 300 सेंटीमीटर के अंदर प्लस 20 सेंटीमीटर ऐड करेंगे, ठीक है? तो इज इक्वल 320 सेंटीमीटर हमें आंसर मिलेगा। 300 प्लस 20 320 सेंटीमीटर। 6 मीटर 75 सेंटीमीटर। 6 मीटर इज इक्वल 600 सेंटीमीटर, उसके अंदर ऐड करेंगे 75 सेंटीमीटर। तो हम क्या करेंगे, 600 सेंटीमीटर प्लस 75 सेंटीमीटर इज इक्वल 675 सेंटीमीटर। 9 मीटर 90 सेंटीमीटर। 1 मीटर इज इक्वल 100 सेंटीमीटर, सो 9 मीटर इज इक्वल 900 सेंटीमीटर प्लस 90 सेंटीमीटर, वी विल गेट 990 सेंटीमीटर। अब ये जो वर्ड प्रॉब्लम है वो सॉल्व करते हैं। अब्दुल स्पेंट ₹38.50 एट द फेयर। अब्दुल ने 38.50 रुपीस फेयर में खर्च किया। हिज सिस्टर स्पेंट ₹12.25 लेस देन हिम। उसकी सिस्टर ने अब्दुल से 12.25 पैसे कम खर्च किए। हाउ मच डिड हिज सिस्टर स्पेंड। अब हमें ये आंसर जब फाइंड आउट करना है कि उतने उसकी सिस्टर ने कितने कम पैसे खर्च किए, तो हमें जो बिग डिजिट है उसमें से जो दूसरी जो स्मॉल डिजिट है वो कट करनी है। तो सबसे पहले हमें तो ये अरेंज करना पड़ेगा, ₹38.50 एंड ₹12.25, उसको माइनस कर देते हैं। अब पॉइंट पैसे जो है वो उसकी प्रॉपर प्लेस में होने चाहिए, रुपीस है वो उसकी अपनी प्रॉपर प्लेस में होना चाहिए। जीरो में से फाइव कट नहीं होगा, हमने बोरो लिया है फाइव के ऊपर से और उसके ऊपर फोर रखा है। 10 माइनस 5 5 एंड 4 माइनस 2 2, 25 पैसा हो गया। 50 माइनस 25 25 पैसा कट हुआ। अब 8 पॉइंट के पहले का हम देखते हैं, रुपीस है 8 माइनस 2 6 एंड 3 माइनस 1 इज इक्वल 2। रुपीस 26.25 पैसे उसकी सिस्टर ने खर्च किए हैं। हिज सिस्टर स्पेंट रुपीस 26.25। अमृता हैड बोट अ बुक फॉर ₹60.25 एंड अ बैग फॉर ₹20.25। शी गेव द शॉपकीपर ₹90। हाउ मच मनी डिड शी गेट बैक। बच्चों, इसमें अजीता ने दो चीज़ खरीदी है, तो हमें पहले तो दो चीज़ जो खरीदी है उसका टोटल लगाना होगा, और उसके बाद जब वो शॉपकीपर को ₹90 देगी तो शॉपकीपर उसको वापस कितना देगा। तो जब वो शॉपकीपर को जितने रुपीस देगी, ठीक है, वो उसमें से जो खरीदी हुई चीज़ है वो कट हो जाएगी। तो सबसे पहले हमें देखना है, ये दो स्टेप का क्वेश्चन है। तो पहले तो हम ऐड करते हैं बैग और बुक का। तो बुक जो है वो है ₹60.25 और बैग है वो है 20.25। आंसर हमारा है 80.50। प्लस करेंगे तो 25 प्लस 25 50 50 पैसे। पॉइंट के पहले 60 प्लस 20 करेंगे, आंसर आएगा 80। ये मैंने आपको थोड़ा इजी बताया। अब जो ₹80.50 है वो हम ₹90 में से कट करेंगे। अब ₹90.00 रखेंगे क्योंकि वहाँ पर पैसे नहीं हैं और हमें ₹80.50 लेने हैं। तो पैसे हैं तो हम 00 ऊपर लगाएंगे। अब देखो 000, जो दूसरा जीरो है उसमें से 5 कट नहीं होगा, तो हम क्या करेंगे, जो 90 का जो जीरो है उसके पास से हम बोरो लेंगे और उसके ऊपर 10 आएगा और दूसरा जो जीरो है उसके ऊपर 9 आएगा और वो 9 के पास से बोरो लेगा तो उसके ऊपर 8 आएगा।
10 माइनस 5 5 9 माइनस 0 9 एंड 8 माइनस 8 0 रुपीज 9.50 शी गेट बैक। समझ में आ गया बच्चों? अब बच्चों ये थोड़ा मेजरमेंट से रिलेटेड मैं होमवर्क दे रही हूँ, एकदम इजी है, आपने प्रैक्टिस की है और मैंने क्लासवर्क में भी करवाया है। तो ये जो है, व्हाट वुड यू यूज टू मेजर दिस, सेंटीमीटर मीटर और किलोमीटर। हाइट ऑफ बिल्डिंग को हम मेजर करेंगे मीटर में, डिस्टेंस फ्रॉम मुंबई टू चेन्नई को मेजर करेंगे किलोमीटर में, सेंटीमीटर जो है वो स्मॉलर यूनिट है लेंथ मेजर करने के लिए, मीटर है वो मीडियम, और किलोमीटर है जब लॉन्ग डिस्टेंस होता है तब हम किलोमीटर में उसको मेजर करते हैं। लेंथ ऑफ अ माउस टेल वो सेंटीमीटर में हो जाएगा मेजर, लेंथ ऑफ अ साड़ी मीटर, लेंथ ऑफ इंडियाज कोस्ट लाइन किलोमीटर क्योंकि वो बहुत ही लंबी होती है, लेंथ ऑफ अ सीजर सेंटीमीटर। उसके बाद जो दूसरा है, हाइट ऑफ अ कोकोनट ट्री 10 मीटर, लेंथ ऑफ टेबल 2 सेंटीमीटर, लेंथ ऑफ अ टेबल 2 मीटर, लेंथ ऑफ एन अर्थवर्म 6 सेंटीमीटर, डिस्टेंस फ्रॉम द रेलवे स्टेशन टू होम 5 किलोमीटर, लेंथ ऑफ अ शूरेज 30 सेंटीमीटर एंड हाइट ऑफ अ फ्लैग पॉल 5 मीटर। ठीक है बच्चों? तो ये आपको जो होमवर्क में, जैसे मैंने आपको टेक्स्ट बुक में करवाया है वैसे ही करना है। आप चाहो तो इसे नोटबुक में लिख सकते हो, ठीक है, और अगर नहीं लिखना है और अगर आपको सिर्फ ओरल ही करना है तो भी आप कर सकते हो, कोई कंपलसरी नहीं। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है व्हाट कम्स नेक्स्ट, 1, 2, 4, 8 एंड 16। ये पैटर्न है बच्चों, जो नंबर है आप देख सकते हो यहाँ पर, जो नंबर है उसके अंदर वही नंबर ऐड करके हमने नेक्स्ट नंबर लिखा है। जैसे 1 है तो 1 के अंदर 1 ऐड करेंगे तो आंसर आएगा 2, तो 2 लिखा है, 2 प्लस 2 4 लिखा है, 4 प्लस 4 8 लिखा है, 8 प्लस 8 16, तो 16 लिखा है। अब 16 प्लस 16 होगा 32, बी 180, 60 और 40, ये पैटर्न है। अब इसमें आप देखोगे चार नंबर तो उससे पता चल जाता है कि 20 माइनस है, 100 माइनस 20 80, तो 80 लिखा है, 80 माइनस 20 करेंगे 60 लिखा है, 60 में से 20 नंबर कट कर दिया है 40 लिखा है, तो हमें वो 40 में से 20 कट करके 20 नंबर लिखना है। 10, 11, 13, 16, 20। अब आप इसको देखोगे तो आपको पता चलेगा कि 10 के बाद तुरंत बाद 11 लिखा है, 11 के बाद एक नंबर स्किप करके 13 लिखा है, 13 को दो नंबर स्किप करके 16 लिखा है, 13 के बाद 14 और 15, 16 के बाद 3 नंबर स्किप करके 17, 18, 19 स्किप करके 20 लिखा है। अब हमें क्या करना है, 20 के बाद 4 नंबर स्किप करना है क्योंकि 1, 2, 3 नंबर स्किप हो गए, तो 21, 22, 23, 24 स्किप करके हमें 25 लिखना है। डी में 107, 114, 121, 128, 135। बच्चों ये हम देख सकते हैं कि 7 की टेबल का आंसर है लेकिन उसके आगे 1 लगाया हुआ है। आप देख सकते हो 7 1 7, 7 2 14, 7 3 21, 7 4 28 एंड 7 5 35, तो हमें क्या लिखना है, 142। 1 1 2 3 5 8 13। अब जो नंबर है वो प्लस करके लिखा है, जैसे 1 है तो 1 को किसी भी नंबर के साथ प्लस नहीं किया है तो 1 लिखा है। अब 2 1 हो गए तो 1 प्लस 1 2। अब जो आगे और पीछे जो नंबर है उसका प्लस करना है, तो 1 प्लस 2 3, 2 प्लus 3 5, 3 plus 5 8, 5 plus 8 13। तो हमें क्या करना होगा बच्चों, 8 plus 13 is equal 21। समझ में आ गया किस तरह से ये पैटर्न है? और जो ड्राइंग के पैटर्न है वो तो इजी है, वो आप कर सकते हो इजीली, ठीक है। और ये जो वर्क है वो आपको नोटबुक में लिखना हो तो लिख सकते हो, और अगर प्रैक्टिस के तौर पर अगर आपको याद रह जाता है तो इट्स ओके, नो प्रॉब्लम, मत लिखना, सिर्फ टिक करते रहना, ठीक है, लेकिन रिवाइज सब कुछ करते रहना फॉर द एनुअल एग्जाम। थैंक यू।